हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो गाइज, सो करके तो हम 6 बजे उठ गए हैं और फिलहाल 7:28 हो रहा है। सारा काम कर लिए घर के, जैसे कि झाड़ू देना होता है और बर्तन मांजना होता है, सारा चीज़ कर लिए क्योंकि मम्मी नहीं है, जैसा कि आप लोग को पिछले ब्लॉग में आप लोग को बताए थे। और आज मम्मी आने वाली है और आज हमारा एग्जाम भी है 2nd टाइम में। तो फिलहाल नाश्ता की तैयारी करते हैं। चलिए, सब्जी कट तो हो गया है तो इसको बनाते हैं। फाइनली सब्जी बन गया है, सिर्फ सब्जी ही बनाना था आज हमको, क्योंकि रात में हम रोटी एक्स्ट्रा बना दिए थे तो उसी को अभी फिलहाल यूज करते हैं। ये देखिए, सब्जी हमारा बन के मस्त रेडी हो गया है और इसमें रहा रोटी। ये देखिए रोटी। तो चलते हैं फटाफट, अब खाना नाश्ता करते हैं। और इधर देखिए भैया पूजा कर दिए हैं यहाँ पे और हम नाश्ता निकाल लिए हैं, ये देखिए प्लेट में। तो फटाफट नाश्ता करते हैं। चलिए, नाश्ता तो हो गया, बस खाना बनाने की वो टेंशन है, जो कि थोड़ा देर बाद खाना बनाएंगे। अभी फिलहाल ये बुक को पढ़ रहे हैं और मम्मी का कॉल आया था, बोली कि हम गाड़ी पकड़ लिए हैं रिसीव करने के लिए आना। वैसे मम्मी को आने में तो लेट लगेगा, 12 बज जाएगा, तो उससे पहले हम खाना भी बन जाएगा हमारा। तो फिलहाल इसको पढ़ते हैं। वाह बेटा, पढ़ाई कर रहा है लड़े, कर ले। उतना दिन रहे मौका तो पढ़ लेना, आज 2 दिन पढ़ के तू का उखाड़ ले हैं? तब उन्होंने साले एग्जाम बाजो एग्जाम दिए जो। जाओ, कौन है, कौन बोला इस बार? तो रातना बोला था, तो रातना। और इसमें रहा दूध को हम चढ़ा दिए गर्म होने के लिए। और इसमें आज हम दाल बना रहे हैं। आज हम गलती नहीं किए हैं चावल बनाने के लिए, पहले दाल चढ़ा दिए। ये देखिए सीटी मार रहा है, मारो 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 जल्दी। गाइस, अभी फिलहाल सिर्फ दाल ही बना था और दूध तो गर्म हो गया है। और मम्मी का कॉल आ गया कि मम्मी मार्केट के पास पहुंच गए, तो फटाफट चलते हैं मम्मी को रिसीव करने के लिए। साइकिल की चाबी ले लिए, फटाफट निकलते हैं। मम्मी हमको रास्ते में भेट आ गई, मम्मी आ रही थी तो सामान मम्मी से हम ले लिए हैं। ये रहा झोला और बैग भी ले लेते, मम्मी उतना दूर से आई है ना तो ले जाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, तो इसलिए हमने ले लिया। तो हम निकलते हैं फटाफट, मम्मी पीछे से आ रही है। चलिए, घर तो पहुंच गए, मम्मी पीछे है, आ रही है पीछे से, हम साइकिल से थे ना इसलिए जल्दी आ गए। थाला भी लगा दिए थे, फटाफट से खोलते हैं। तो फाइनली गाइस, मम्मी को लेकर के तो आ गए हैं और फिलहाल हम फटाफट चावल बनाने के लिए तैयारी करें, क्योंकि मम्मी उतर दूर से ही भूख लगा हुआ। फटाफट चावल को बनाते हैं। चावल धो करके तो चढ़ा दिए हैं इसको। अरे यार लग भी जा। तो फाइनली गाइस, चावल बन करके रेडी हो गया है और फिलहाल हम गाइस जा रहे हैं नहाने के लिए। बस एक ही काम बचा हमारा, नहाना, और नहा के आके खाएंगे और उसके बाद निकल जाएंगे एग्जाम देने के लिए। तो फाइनली गाइस नहा करके आ गए हैं। तो गाइस अब निकलते हैं कॉलेज फटाफट, अभी बज रहा है 12:10, को जाने में थोड़ा देर लगेगा, पहुंच जाएंगे। तो फटाफट निकलते हैं। बार साइकिल धीरे धीरे चलाएंगे, पिछले बार हम आ रहे थे इसी तरह चलाते चलाते स्पीड में, थोड़ा था साइकिल बस चैन खुल गया था गिर गए थे, आज धीरे धीरे जाएंगे। गाइस अभी फिलहाल हम माता योगिनी के पास पहुंच गए और यहाँ पर देखिए लंबा जाम लगा हुआ है। देखिए बगल में माता योगिनी का मंदिर, जय माँ योगिनी, और इसी भीड़ में हम फंसे हुए हैं जाम में। बस कॉलेज हमारा यहाँ से खूब से खूब 100 मीटर, क्या बोलते 50 मीटर भी नहीं है, इसी जाम में फंसे हुए। देखिए ना कितना देर लगता है। तो किसी तो धीरे धीरे साइकिल हम निकाल रहे हैं, बहुत जाम में फंस गए हैं। अभी पता है टाइम कितना हो रहा है, 12:40 हो गया, हम निकले थे 12:10 में और बताइए 12:40 हो गया है, कब तक पहुँचेंगे? 20 मिनट बचा है, पेपर भी बढ़ जाएगा। तो गाइस किसी प्रकार बचाए मतलब साइकिल के उठाकर हम लेकर आ गए हैं अपना यहाँ साइकिल स्टैंड में। तो फटाफट साइकिल लगाते हैं, वैसे भी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, चलते हैं फटाफट एग्ज़ाम देने के लिए। बहुत लड़का तो उधर ही रह गया होगा क्योंकि जाम ही इतना लगा, देखिए अभी यहाँ पर कितना कम है, उधर कितना जाम था। चलिए, पेपर तो हमारा ख़त्म हो गया, इधर देखिए बेंच सब खाली है, कुछ बच्चा चला गया। अब हम भी निकलते हैं यहाँ से, फिर से जाम ना हो जाए, नहीं तो रस्ते में रह जाएंगे हम, भूख लगा है बहुत जोर से। आज साइकिल लगा हुआ है, नहीं तो पिछले वाले ब्लॉग में हम ही सिर्फ हमारा ही साइकिल था यहाँ पे। अरे यार फाइनली गाइस एग्ज़ाम हो गया, तो अब निकलते हैं घर। चलिए, भीड़ तो कम है, आसानी से निकल जाएंगे, बस थोड़ा दूर तक ले, ये भी जो दिख रहा है ना भीड़, ये बस थोड़ा दूर के लिए, जब तक ले माता योगिनी का ये और गली है ना जो, मतलब यहाँ से मतलब इसके बाहर निकलते हैं हम लोग मेन मार्केट में, यहीं तक ले भीड़ रहेगी, इसके बाद मेन मार्केट एकदम खाली हो जाएगा,
इधर देखिए मेन मार्केट में पहुंच गए हैं, अभी क्रॉस कर रहे हैं लेफ्ट साइड। यहाँ पे मतलब एकदम सब सही, क्योंकि सबको इधर उधर कोई गड्ढा खो जाता कोई पत्थरगाम आका तो इधर भीड़ लगता नहीं है इसीलिए। तो देखिए इधर बिल्कुल खाली है, आराम से चल रहे हैं घर। चलिए घर तो हम पहुँच गए हैं अपने, तो फटाफट साइकिल लगाते हैं, खाना खाने चलते, बहुत ज़ोर से भूख लगा है हमको। फाइनली गाइस कॉलेज से घर आ गए और फिलहाल खाना खा रहे हैं। खाना में है दाल चावल और सब्जी खुद का बनाया हुआ। फाइनली गाइस खाना हो गया है और शाम भी हो गया है। आज तो हमारा पोपट होते होते बच गए, जाम में फंस गए थे। देखे ही किसी प्रकार साइकिल से निकाल निकाल के हम पहुँचे जाम होल में, तो आज लेट से पहुँचते। खैर किस्मत अच्छा था, सही टाइम पर पहुँच गए और पेपर भी सही हो गया। तो गाइस अब ब्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट। जय हिंद। मान लीजिए सब्जी बन के रेडी, तो गाइस सब्जी बना करके हम तैयार कर